गत दिवस नूरपुर के मलकावाल के पास खुड़वाड़ गांव में हुए दर्दनाक स्कूल बस हादसे में 24 मासूम बच्चों तथा 4 अन्य लोगों की मौत की खबर सुनकर हर कोई दुखी था तथा पूरे क्षेत्र में शोक की लहर थी। इसी के मद्देनजर खुड़वाड़ गांव में गायत्री सेवा समिति नूरपुर द्वारा 24 बच्चों व 4 अन्य मारे गए बच्चों व अन्य लोगों के लिए हवन यज्ञ किया गया। गायत्री सेवा समिति के अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि गायत्री सेवा समिति नूरपुर के द्वारा अखिल भारतीय गायत्री परिवार के सहयोग से ये कार्यक्रम उन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों उनकी एक टीम यहां आई थी और यहां पर सर्वे भी किया गया और सब चीजों को देखा गया। उसके बाद ये फैसला लिया गया कि बच्चों की जो रस्म क्रिया वगैरह है, जो रस्म है, वे संपन्न हो चुकी हैं। उसके बाद उन बच्चों की आत्मा शांति के लिए हवन यज्ञ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गायत्री सेवा समिति के द्वारा ये यज्ञ आयोजित किया गया और उन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई, साथ ही जप भी किया गया। उन्होंने कहा कि लगभग 20 सदस्य गायत्री सेवा समिति के जप कर रहे हैं तथा साथ ही आहुतियां भी दी जाएंगी ताकि उन बच्चों की आत्मा को शांति मिल सके। इस दौरान गायत्री महामंत्र तथा महामृत्युंजय मंत्र के साथ आहुतियां भी डाली गईं। गायत्री सेवा समिति नूरपुर के द्वारा अखिल विश्व गायत्री परिवार के सहयोग से ये कार्यक्रम हम इन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारी एक टीम यहाँ आई थी, वो यहाँ सर्वे कर गई, सब चीज देखा, तो उसके लिए हमने आज 21 तारीख को ये निर्धारित किया था कि 21 अप्रैल को कि बच्चों के क्रियाक्रम वगैरह जो भी रस्म है पारिवारिक वो सब संपन्न हो जाएगी शुक्रवार तक 20 तारीख तक, तो उसके बाद हम ये कार्यक्रम करेंगे। तो ये कार्यक्रम आज गायत्री सेवा समिति के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आज इन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए हवन यज्ञ किया जाएगा, साथ में जप भी किया जाएगा। हमारे लगभग 20 सदस्य जो हैं सेवा समिति के, गायत्री सेवा समिति के, ये आज जप भी कर रहे हैं, साथ में औतियां भी प्रदान करेंगे ताकि उन बच्चों की आत्मा की शांति हो सके। उसके लिए गायत्री महामंत्र और महामंत्र जो मंत्र के साथ उनको औतियां प्रदान करेंगे।